मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की उज्जैन से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा विवादों में फंस गई है। विवाद की वजह बना है एक वीडियो जिसके जरिए दावा हो रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैसे लेकर जनसभा कर रहे हैं, लेकिन सच मंडल सभा करते हुए भीषण खुश हुआ से इनको ले जाना। दावा है 2:59 के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जा रही है। हाँ ले गारंटी है दावा है ये पैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा को वीरदत्त गांव तक लाने के लिए दिए जा रहे हैं। 4,000 दे और शेष का दे दे आप लोग है कल तक पूरा कर कल तक पूरा कल 4,100 अब जरा नीली कमीज पहने इस व्यक्ति को देखिए। व्यक्ति पैसों को अपनी जेब में रखते हुए कहता है कि ये पैसा मेरे पास नहीं है, बल्कि समझ लो कि ये पैसा जमा हो गया है। पैसा हम आपके कायम रखे हैं, आप ये पैसा ये न मानी की हमारे पास ओसे हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब सीएम हमारे यहाँ गाँव आम है, ये घर नहीं है, घर अरे हमारे घर नहीं आम है, खाना खाइए हमारे घर नहीं आम, हाँ खाना खाइए तो व्यवस्था कर बनवाया, अरे सारी बफर करवा दे तो टेंशन है। जो आपके यहाँ ना पहुँचे देखा डबल आप पैसा वापस हो इनका बनवा देगी पैसा जमा कर देगी कल 4,100 कर दे। वायरल वीडियो में दिख रहे इस व्यक्ति को बीजेपी का मंडल अध्यक्ष वरुण त्रिपाठी बताया जा रहा है। दावा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आशीर्वाद जनसभा के लिए जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं, यानी अगर कोई अपने गांव में मुख्यमंत्री को बुलाना चाहता है तो उसके लिए उसे पहले तय रकम अदा करनी होगी और ये रकम बीजेपी नेताओं की जेब में जाएगी। दावा है कि जनसभा के नाम पर हो रही धांधली के इस खेल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नेता शामिल हैं। दावे के मुताबिक गिनकर पैसे देने वाले व्यक्ति का संबंध वीरदत्त गांव से है और वो बीजेपी कार्यकर्ता है। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के सतना जिले के अमरपाटन सर्किट हाउस का बताया जा रहा है। असल में 18 जुलाई को मध्य प्रदेश के अमरपाटन, रामपुर और सतना विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज की 4 सभाएं और रोड शो हैं, लेकिन जनसभा से पहले आए इस वीडियो ने शिवराज को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन किसी भी वीडियो या तस्वीर को बिना पड़ताल सच मान लेना सही नहीं है, इसलिए एबीपी न्यूज की वायरल सच टीम ने वीडियो की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की। वीडियो का संबंध सतना से बताया जा रहा था, इसलिए हम पड़ताल के लिए सतना में बने बीजेपी दफ्तर पहुंचे। हमने वहां मौजूद बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी से वायरल वीडियो को लेकर हो रहे दावे के बारे में पूछा। रूट चार्ट प्रदेश से और जिले के हमारे वरिष्ठ नेता बैठकर बनाते हैं, उसमें कोई मैंने आपका वीडियो देखा है, उस वीडियो में कोई ना तो हमारे कोई जिले का जिम्मेदार पदाधिकारी है ना प्रदेश का जिम्मेदार पदाधिकारी है, और जिस व्यक्ति से वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं वो लोग वो सब कार्यकर्ताओं के बीच की हंसी मजाक की बात है, और कभी भी कोई लेन देन गंभीर बात ये सब बातें भाई साहब पर्दे के अंदर होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी में संभव ही नहीं है। यानी सतना के बीजेपी जिलाध्यक्ष की माने तो ये कार्यकर्ताओं के बीच होता मजाक है। वहीं बीजेपी सांसद गणेश सिंह का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। इस तरह की शिकायत अभी तक नहीं है और मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे ध्यान में विषय नहीं आया, आपने सूचना दी है मैं इसकी तहकीकात करूंगा। हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो सच साबित हुआ है, लेकिन पैसे लेकर सीएम की जनसभा कराने का दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।